विभाजन के बहाने योगी का नेहरू पर निशाना, कहा विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। बंटवारे के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, 1947 में जो हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है। जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। सीबीआई ने शुरू की कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की जांच, आरोपी से पूछताछ जारी। अस्पताल के स्टाफ और परिवार का बयान करेगी दर्ज, डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ वारदात वाली जगह से जुटाएगी सबूत। कोलकाता में महिला डॉक्टर से धरंधरी के बाद का वीडियो आया सामने। 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेप के बाद हुई थी डॉक्टर की हत्या। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी। फाइमा के 32 एसोसिएशन हड़ताल पर एम्स के डॉक्टर्स की भी हड़ताल जारी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की संस्था फोडा ने कल वापस ली थी हड़ताल। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप इलाके में आतंकियों के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक आतंकी घायल, 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना का एक अधिकारी और सिविलियन जख्मी। अगले हफ्ते हो सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान, गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सीबीआई केस में जमानत और गिरफ्तारी को दी थी चुनौती, ईडी मामले में पहले ही मिल चुकी है जमानत। पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक से पहुंचे बदमाशों ने गोलियों से भूना। तेजस्वी यादव ने कहा अब इसे जंगल राज कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बीजेपी शासन में है। पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका, अकाली एमएलए डॉक्टर सुखविंदर सुखी आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में हुए शामिल। कन्नौज केस में आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ जोड़ी गई रेप की धारा, नाबालिग से मजिस्ट्रेट के सामने रेप का लगाया आरोप, नाबालिग की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज।